हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एसेंशियल क्लासेस। हेलो साथियों, आज के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर है लुप्तीकरण, लुप्त संख्या, समझ गए ना, यानी मिसिंग नंबर। देखिए, मिसिंग नंबर बहुत बढ़िया है। हर सेट में आपको एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन मिलना तय है। हर सेट में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिसिंग नंबर में समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लाया है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस, समझ। जब तक आप प्रैक्टिस कोई चीज का नहीं कीजिएगा, तब तक ले आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्रैक्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आती है कि प्रैक्टिस करो तो कैसे करेगा ना, मतलब ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिसिंग नंबर में सबसे पहले आपका ये चीज आनी चाहिए। ये चीज क्या आनी चाहिए, देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोड़, यानी एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इतना करने के बाद इक्वल आना चाहिए। जो डाटा देगा ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें एक चीज एकदम नॉमिनल चीज को पकड़ते हैं, छोटा मान को पकड़िए और बड़ा मान तक ले एकदम आप एडजस्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके कहने मतलब एक कलम रो दिया गया है, इसमें बहुत सारा नंबर दिया गया है और यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ मिसिंग नंबर कैसे होगा और क्या होगा। सबसे पहले इसका रूल जो होता है ना, जोड़ घटाओ गुना भाग बराबर, यानी आप जोड़िए घटाइए गुना भाग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका डाटा यहाँ 60 होना चाहिए, 30 आना चाहिए, या मिसिंग है यहाँ 35 आना चाहिए। शुरुआत करेंगे छोटा नंबर से और यहां तक आएंगे, या तो ऐसे जाएगा नहीं तो ऐसे जाएगा। किसी भी तरह आप रो से रो में जाइए, कलम से कलम में जाइए, लेकिन जाइए बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। इसमें तीन तरह, चार तरह, पांच तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम चार क्वेश्चन सिलेक्टेड लाए हैं आपको, एक दो तीन क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा इंगेज हो गए थे, इसलिए हम तीन क्वेश्चन आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और आपकी सारी जो करने का जितना भी कैरी है, प्रॉब्लम है, सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज के बाद मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपसे थोड़ा भी नहीं छूटेगा। चलिए यहां से देखिएगा, यहां पर रिलेशन ढूंढिए, चार 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 तिहाई बारह, बारह पचे साठ, साठ लिख दिया, चार तिहाई बारह, मैंने यहाँ चार तिहाई बारह, बारह पचे साठ, यहाँ साठ लिख दिया गया है, पांच तिहाई पंद्रह, पंद्रह दुना तीस, तीस यानी सौ में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, छ त्रिया अठारह, अठारह चौका बहत्तर, तो बहत्तर यहाँ पर देखिए इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सात एकम सात, सात पचे पैंतीस, तो पैंतीस, यानी ए आपका सीरीज हो गया। सीरीज क्या हुआ, सब में मल्टीप्लाई कर देना है, एक दूसरे से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, छह दो अठारह, अठारह चौका बहत्तर, यानी मिसिंग नंबर कितना था, बहत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। यही क्या हुआ, बहत्तर आंसर होगा। देखिए, हम आपको बताए थे ये तो गुणा करने पड़ेगा, कभी कभी जोड़ने पड़ेगा, कभी कभी घटाने पड़ेगा, कभी कभी आपका कहने मतलब भाग देने पर भी आएगा, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दो नंबर में। तो दो नंबर में देखिएगा, जोड़ में जोड़िए घटाइए गुना भाग कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचा नीचा ऊपर, किसी भी तरह आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर 38 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, चार तिहाई बारह, छ पचे तीस, नहीं ना हुआ, तीस और बारह बयालीस हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, छह त्रिया अठारह और चार पचे बीस, अड़तीस, बिल्कुल सही है, एक सीरीज मिला, क्या मिला, ऊपर ऊपर नीचा नीचा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। और यहाँ देखिए, आठ नौ बहत्तर और सात सात पचे पैंतीस, बहत्तर और सात पचे पैंतीस, इसको जोड़िएगा, पांच दो सात, सात तीन दस, एक सौ सात, बिल्कुल है क्या मतलब। चलिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, ग्यारह में चौदह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ग्यारह में चौदह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना, एक सौ चौवन आ जाएगा। ग्यारह में मल्टीप्लाई करेंगे चौदह से कितना आ जाएगा, एक सौ चौवन आ जाएगा, और तेरह से छब्बीस में करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, तो आपका कितना है, एक सौ, एक सौ छप्पन आ जाएगा। तेरह अच्छा बारह तिया छत्तीस के छ, बारह कम बारह तीन पंद्रह, ठीक है। चलिए छ चार दस, पंद्रह पंद्रह तीस इकतीस, तीन सौ दस, ये यहाँ कितना जाएगा, तीन सौ दस आपके मिसिंग नंबर था, तीन सौ दस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी, कहने का मतलब कैसे किए, कहना मतलब देखिए, इसमें हमको सीरीज ढूंढना था, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, ऊपर ऊपर नीचा नीचा मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर ऊपर नीचा नीचा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ गए ना, आपका 310 आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाले टाइप में अगर आपका सीरीज मिल गया
तो 2 मिनट का लगेगा। अगर सीरीज नहीं मिलेगा 2 दिन भी लग सकता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, अगर एक बार में बन गया तो बना दीजिए, नहीं तो है हटो बाद में देखते हैं। इन्हें कि एक क्वेश्चन के लिए आप अपना 5 को 7 को क्वेश्चन का टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, नहीं उसको बाद में देखिएगा, समझ रहे? क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड आईक्यू यानी जो है ना आपका दिमाग माने दिमाग को जांच करता है कि आपका स्टैंडर्ड आईक्यू कितना जल्दी फास्ट चलता है, रीजनिंग आपका यही बताता है, और लूप संख्या जो है ना आपका माइंड टेस्ट कर माने माइंड टेस्ट करता है। इसलिए अगर सीरीज जल्दी मिल गया तो जल्दी बना दीजिएगा, अगर सीरीज जल्दी नहीं मिला तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट टाइम लगेगा, तो आप उसको बाद में बनाइएगा, पहले आप लो वाला क्वेश्चन को बना लीजिए उसके बाद हार्ड वाला क्वेश्चन को बनाइएगा। लेकिन कोई कोई सीरीज बहुत जल्दी मिल जाता है, कोई कोई सीरीज जल्दी नहीं मिलता है, तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ 25 है, ये 6, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है, 5, 6, 11 दिखे बिल्कुल 11 है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, 11 नीचे दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर होगा और ये 8 का स्क्वायर होगा, 8, 7, 15 बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 15 होगा कहने का मतलब, और यहाँ ये 12 का स्क्वायर होगा, कितना का होगा 12 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, 12 और 13 तो 3 और 2 5, 5 लिखेगा 1 और 1 2 यानी 12 13 कितना होगा 25, इसके करेक्ट आंसर कितना होगा 25 होगा। चलिए आप इस सीरीज में समझ गए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या मतलब। चलिए क्वेश्चन आपके लग गए हैं, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पर थोड़ा डाटा को हम इंक्रीज कर दिए हैं, डाटा को लेवल बढ़ाए हैं, कंसेप्ट भी दिए हैं, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। थोड़ा देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन भर जाता है तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सेटिंग वेटिंग करने में, समझ गए ना। चलिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, बस तरीका हम वही बता दे, तरीका तीनों दिए थे, क्या दिए थे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसी भी तरह आपका उतना आना चाहिए, काम छोटा सा ले 12 मार्क आना चाहिए। देखिए यहाँ से छोटा सा चालू कीजिएगा, 4, 3, 8 जोड़िए घटाइए, लेकिन 56 आना चाहिए, 5, 3, 9 कुछ भी कीजिए 72 आना चाहिए, 7, 3, 4 कुछ भी कीजिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर जो दिया गया है ये आनी चाहिए, 8, 10 कुछ भी कीजिए, यहाँ पर 70 आना चाहिए। ये चीज आपको पता हो चुका होगा कि ऐसे कैसे कैसे यहाँ पर इंक्रीज करके लाना है, जैसे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, इसको जोड़िए घटाइए गुना भाग कीजिए, किसी भी तरह आपको 50 आना चाहिए, इसको किसी भी तरह जोड़िए घटाइए, एक सीरीज, ये नहीं कि अलग अलग डाटा नहीं आना चाहिए, ये सीरीज तीनों में फॉलो करना चाहिए, ये सीरीज तीनों में फॉलो करना चाहिए, ये सीरीज इसमें फॉलो करना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखिए रीजनिंग का मतलब है होता है सीरीज करने, मतलब सीरीज आपका मिलना चाहिए, जब तक सीरीज नहीं मिलेगा तब तक आपका आंसर भी सर्टिफाइड नहीं होगा, आंसर भी सही नहीं होगा, गलत आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले यहाँ अरेंज कीजिए, 4, 4, 4, 3, 12, 12, 96 नहीं 56 है, गलत हो गया कहने मतलब, 4, 3, 7 ऐसे कहते हैं, 4, 3, 7 7, 8, 56 यानी इसको दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, और जोड़ने पर कितने हैं 7, 7 से 8 में मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से 56 आ गया, तो 2 को जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए 5, 3, 8, 8, 9, 72 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यहाँ देखिए 8, 2, 10, 8, 2, 10, 10, 7, 70 ये भी सही है, तो बोलिए 7, 3 कितना होगा, 7, 3, 10 अच्छा 40, आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 40 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर था 4 प्लस 3 और गुना कितना करेंगे 8 बराबर कितना करेंगे 56 आ जाएंगे, यानी कहने मतलब देखिएगा 4, 3, 7, 7, 8, 56 यहाँ पर इसी तरह देखिएगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है विवेक, नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 5, 5, 3, 8 और गुना कर देंगे कितना 9, यानी 5, 3, 8 5, 3, 8, 9, 72 बिल्कुल सही है। इसी तरह का है मतलब यहाँ पर देखिएगा करेंगे 7, 7 प्लस 3 और गुना कर देंगे कितना से 4 से, 10 गुना 4 40 यानी 40 आ जाएगा, यहाँ पर 40 मिसिंग था, नंबर क्या था 40 मिसिंग था, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं, देखिएगा ये सीरीज भी मिलेगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 जोड़ 2 और गुना कितना हो जाएगा 7, यानी 8 दू 10, 10 7 70 यानी 70 है बिल्कुल, यानी फॉलो कर रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करने में पहले जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है गुना कर देना है, यही चीज आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए पहले
अच्छा 5 3 15 15 हो जाएंगे और 7 5 35 35 जोड़िए तो 40 होगा, 5 5 10 3 1 3 1 4 1 5 बिल्कुल 50, यही आपका सीरीज मिला। दोनों को गुना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 24 और 4 4 16 यानी आपका कितना होगा 24 प्लस 16, ऐड कीजिए 6 4 10 के सोना हाथ में, 1 2 1 3 1 4 40 बिल्कुल सही है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 30 कितना हो जाएगा 6 5 30 और 8 6 32 2 और कितना 6 यानी 62 इसका आंसर हो जाएगा। कितना का आंसर 62 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माने जब तक सीरीज नहीं मिलेगा ना तब तक छोड़ना नहीं है, सीरीज और आपका ये आपका डायग्राम जो है ना तीनों को फॉलो करना चाहिए, समझ गया, तब जाकर आपका सटीक आंसर होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्या मतलब, देखिए यहाँ पर देखिएगा 5 4 अच्छा 5 है और ये 4 है, कितना दिया है 20 दिया गया है, 5 4 20 अच्छा बिल्कुल सही है, गुना कर देना। यहाँ देखिए 12 करेंगे कितना होता है 156, 156 है, 7 6 42 आंसर कितना होगा 42 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, टाइप को चेंज करते हैं यहाँ पर, क्या मतलब अगला टाइप में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्या मतलब। चलिए क्वेश्चन आ गया है 7 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये क्वेश्चन आपके आ गए हैं। देखिए हम आपको बताए हैं शुरू में ये मिसिंग नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, वही होता है प्लस गुना जोड़ घटाओ गुना भाग, किसी भी तरह करके आप कड़ी कड़ी पहुंच जाइए, छोटा से स्टार्ट कीजिएगा और 12 वाला पर तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए यहां से देखिए ये आपका रो हो गया कलम हो गया, रो कलम में दिया गया डाटा और यहाँ पर दिया गया 30 70 50 यहाँ मिसिंग नंबर है और यहाँ 78 है, तो इसको पुराना है 40 30 कैसे पूरेगा, इस 70 कैसे पूरेगा और यहाँ मिसिंग नंबर है और यहाँ पर 78 कैसे पूरेगा, एक यानी मिसिंग नंबर छोड़ दिया जाता है, ये मिसिंग नंबर बीच में भी हो सकता है लास्ट में भी होगा कहीं भी हो सकता है। तो देखिए हम आपको बताए रीजनिंग में सीरीज का मिलना बहुत जरूरी होता है, रीजनिंग में सीरीज का मिलना जो होता है ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए 4 2 6 6 5 30 तो देखिए इसको क्या किया 4 प्लस 2 और इंटू क्या कर दिया 5 यानी कितना गया 6 और 6 गुना 5 कीजिएगा 30 आ जाएगा, कितना जाएगा 30 आ जाएगा, पहला कंसेप्ट में हो गया। उसके बाद देखिएगा 6 प्लस 8 गुना हो जाएगा 5 यानी 8 6 8 कितना होता है ना मतलब 6 8 14 अगुना 5 70 हो जाएगा, समझ गए ना आ जाएगा। इसी तरह 7 2 9 7 प्लस 2 अगुना कितना जाएगा 6 7 2 9 9 6 54 आंसर कितना जाएगा 54। अब देखिएगा यहाँ पर भी सीरीज मिलना चाहिए 8 5 13 13 6 78 बिल्कुल 78 है मतलब सीरीज आपका मिलना चाहिए। इसी तरह ये 8 नंबर में छोटा नंबर से पकड़ेंगे और 12 नंबर तक ले जाएंगे, 5 3 8 8 4 नहीं यहाँ 32 है ना, 5 3 15 15 6 60 नहीं गलत हो गया, 5 3 8 8 6 32 इन दोनों को जोड़ देना है, 5 3 8 8 6 32 सही है। उसी तरह देखिए 6 8 14 14 2 9 अच्छा ये तो कैसे चला गया वो 8 6 14 अच्छा देखिए तो क्या मतलब 5 3 8 8 6 32 6 8 14 और यहाँ यहाँ पर सुधार दीजिए 14 ये कितना हो जाएगा 28 होगा, 7 6 14 6 8 14 14 2 9 28 सही है। तो 5 7 12 12 2 9 24 यहाँ कितना जाएगा 24 आंसर रहेगा, वहां पर नंबर थोड़ा छूट गया था ना मतलब कोई दिक्कत नहीं है अरेंज कर लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए अब इसी तरह आते हैं 9 नंबर में, 9 नंबर में देखिए 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब कितना होगा 27 4 का क्यूब कितना होगा 64 आंसर कितना हो जाएगा 64 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 होता है तो यहाँ देखिए 7 6 कितना होगा 13 इसका आंसर कितना होगा 13 हो जाएगा। आई होप आज की क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आज के बाद मिसिंग नंबर में आपका दिक्कत गलतियां नहीं होंगी ना के बराबर होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद बाय बाय टेक केयर थैंक यू।